हाय देयर माय डियर ब्लॉगीज, हाउ आर यू। खुश आमदीद मेरे चैनल में, अंजना के टू ब्लॉग्स में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं लॉन्जी कच्चे आम की, यानी रॉ मैंगो की केस। और इससे पहले मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले एक पैन में, फ्राइंग पैन में कुछ सौंफ, एक टीस्पून सौंफ, एक टीस्पून जीरा और थोड़ा सा एक 1/4 टीस्पून मेथी दाना ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले ये काम रहेगा, इसको पहले तेज आंच पे गरम कर लीजिए फ्राइंग पैन को, और फिर इसमें डाल के थोड़ा मध्यम कर दीजिए फ्लेम को, और थोड़ा सा भून लीजिए। सौंफ का कलर थोड़ा सा चेंज होने लगे तो आप इसको आंच को ये आप ऑफ कर दो गैस को, और थोड़ा सा घुमा लो। और इसमें फिर आप क्या करें कि इसमें आधा चम्मच कलौंजी, छोटा चम्मच कलौंजी ऐड कर लें, या फिर अपने हिसाब से मन मुताबिक, और थोड़ा सा अजवाइन, उतना ही, आधा चम्मच। मैंने बहुत छोटी चम्मच यूज़ की है। और इसको बंद आंच पे ही फ्राई पैन में, क्योंकि गर्म है बाकी सामान, तो उसके साथ ये रोस्ट हो जाएगा हल्का सा। इसको ज़्यादा रोस्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है राई और कलौंजी को। तो ये हमने मिक्स करके एक तरफ इसको साइड में रख लेते हैं। और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी हींग। आप अपनी जितनी क्वांटिटी है रॉ मैंगो की, कैरी की, उस हिसाब से सारे मसाले डालिएगा। इसको मैंने मिक्स कर लिया है, हींग को अच्छे से मार लिया, जिससे सारे मसाले, इसको हम एक साइड में रख देंगे। अब हम लेंगे एक पैन या कढ़ाई, तो मैंने ये कढ़ाई ली है। मैं फ्लेम वापस ऑन कर रही हूँ, कढ़ाई रख दी। इसे थोड़ा सा, वैसे गीला है कढ़ाई, आपको दिख रही होगी, लेकिन गर्मी है तो ज़्यादा इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। गर्मी तो वैसे ही सारी चीज़ें उबल रही हैं, तो पानी अभी सूख के उड़ जाएगा। मैं इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ, मस्टर्ड ऑयल थोड़ा सा। मेरी तकरीबन 1/2 kg अमिया है, कच्चा आम है, तो ये थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल मैंने ऐड कर लिया, जिसको मैं गरम कर लूँगी अच्छे से, पका जला लूँगी। ये अच्छी तरह से गरम हो जाए, देख लें इसको ठीक से गरम हो जाए तेज़ आंच पे। तो उधर मैंने आम जो है छील के रख लिए हैं और काट के भी रख दिए हैं। तो अब मैं इनको गरम तेल में ऐड करने जा रही हूँ, थोड़ी कम आंच है, मीडियम फ्लेम पे कर रही हूँ फ़िलहाल। और इसको मैं स्टर कर रही हूँ, और अब आप इसमें क्या करेंगे, 1-2 मिनट इसको स्टर करके, और आप इसमें 1-2 मसाले अभी के लिए पहले ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा हम इसको भून लेते हैं, सिर्फ 1 या 1 से 2 मिनट, तेज़ भी कर सकते हैं थोड़ा आंच, और ऐसा इसको हिलाते रहते हैं। और इसमें हम नमक ऐड करेंगे, और फिर थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ी सी हल्दी हम इसमें डाले दे रहे हैं अपने हिसाब से, अंदाज से। ये हो गया, इसको फिर एक बार हिलाएंगे ठीक से मिक्स हो जाए, जिससे इसमें हल्दी स्पेशली, फिर इसको थोड़ी देर स्टर करते रहेंगे। तेल आप कोई भी ऐड कर सकते हैं यूजुअल, जो आप चाहें अपने मन मुताबिक। ये अच्छे से हल्दी और नमक भी मिक्स हो गया है। अब इसमें हम गुड़ को मैंने काट के रख लिया है, और ये तकरीबन 400 ग्राम अमिया है, तो इसमें 200-250 ग्राम, 200 ग्राम मैंने गुड़ डाला है, अंदाज से डाला है। तो थोड़ा काट लिया था, ये बड़े वाले वो थे,
इसके पीसेस, जिससे ये जल्दी हो जाए, इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं। गोट देखिए धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है। पानी नहीं डालना है, पानी ऐड नहीं करना है, इसको ऐसे ही पकना है। फ्लेम को बिल्कुल सिम पे कर दीजिए, एकदम सिम पे, और इसको हिला के एक बार, और इसको लिड से कवर कर दीजिए और 4-5 मिनट तक इसको ऐसे ही पकने दीजिए सिम पे। एक बार आप बीच में चेक कर लीजिए, अभी गुड़ है इसमें, पूरी तरह मेल्ट नहीं हुआ है, थोड़ी देर हम और वेट करेंगे। और इस बीच हाथ वाथ धो लेते हैं हम लोग, और अब इसको देखते हैं, अभी ये मेल्ट हो गया है। गुड़ नहीं है, चेक कर लें कि कैरी जो है वो थोड़ी गल गई है, तो ये कैरी अब गल चुकी है। इसमें अब मैं कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ, वो अपने आप हिसाब से ऐड करें। ये हो गई लाल मिर्च ऐड, और इसके बाद हम करेंगे काली मिर्च, काला नमक। तो ये काला नमक है, पहले काला नमक, थोड़ा सा सफ़ेद नमक हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, इसको भी मिक्स कर लेते हैं, काले नमक को, ब्लैक सॉल्ट को। और अब आते हैं काली मिर्च पाउडर पे, ये थोड़ी सी, ये भी मैं डाल रही हूँ इसमें। ये कर लिया, अभी हमारे पास क्या रह गया, आपको याद है जो हमने वीडियो स्टार्ट किया था, तो हमने कुछ मसाले, आग अभी मैंने फ्लेम तेज कर दिया है, और ये मैंने ये मसाले जो रोस्ट किए थे शुरू में, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप इसको दरदरा पीस के भी ऐड कर सकते हैं, मैंने ऐसे कर दिया। थोड़ा सा मेरा मसाला ज़्यादा हो गया, पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, टेस्ट मैं कर चुकी हूँ, बहुत अच्छी बनी है। गरम मसाला नहीं ऐड करूँगी, बहुत तीखा और बहुत बुरा सा मेरे लिए टेस्ट हो जाता है। आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, ये बहुत हल्की सी, और बहुत इसमें नमक मिर्च ठीक है, और बाकी मसाले देखने में ज़्यादा हैं, खाने में ज़्यादा नहीं, आप देखने में भी थोड़े कम डाल सकते हैं, वो थोड़ा आम आपको दिखेगा, अच्छा लगेगा आपको, आम ज़्यादा दिखेगा ना, वो लाल लाल सा उसका जो टेक्सचर और वो सब दिखेगा, उसका जूस। बहुत ज़्यादा इसको गाढ़ा मत कीजिए, कंसिस्टेंसी ऐसे ही छोड़ दीजिए, क्योंकि ठंडा होके भी थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। इसको आप एक वीक तक स्टोर करके रख सकते हैं, ज़्यादा मुझे इसका एक्सपीरियंस नहीं है एक वीक वाला, लेकिन मैं बता रही हूँ ये बन गया है, इसको आप थोड़ा स्टोर करके रख लीजिए। ये थोड़ा सा है, लेकिन आप अगर ज़्यादा बनाएं तो फ्रिज में इसको स्टोर करके रख सकते हैं। चलिए, अपना ध्यान रखिए, एंड मैं हूँ ना।